नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे दोस्तों? सर सर, मैंने मास्क उतार दिया, ये तो बहुत जरूरी हो गया है। अब किसी क्लाइंट के पास नहीं, अभी तो घर पे हूँ। दोस्तों आप बताओ कैसे हैं मेरे दोस्तों? मैं अब छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए, ये एक नॉलेज की गाइडेंस की दे रहा हूँ, नॉलेज की, जो आप कस्टमर अभी किसी फ्रेंड से पूछते हैं, उनको नहीं पता होता, किसी से पूछते हैं, वो फोन उठाते, ये चीज़ें आप कॉपी पेंसिल में लिख लें, को बहुत ज़रूरी होता है कि जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ वो छोटे छोटे नॉलेज की डाल रहा हूँ। आपके पास जो इन्वर्टर एसी की आने वाली ब्रेकडाउन में होती है, कम्युनिकेशन एरर होता है, उसकी मैं वीडियो डालता हूँ छोटे छोटे से, आपको पॉइंट बनाइए। पिछले 4 वीडियो में यही मैं तो 10-15 वीडियो है मेरी, छोटी छोटी सी वीडियो है जो मैं हर चीज़ के बताता रहूँगा। आज एक वीडियो में लेके आऊँ, ये जो ट्रांसफार्मर जो हमारे एसी के अंदर लगा होता है, जिसके थ्रू हमारे एसी के अंदर कंप्रेसर को पावर मिलती है। ट्रांसफार्मर जो लगा ऐसा लगा होता है, जो एक हमारा एलजी का 6 एम्पेयर का, 6 एम्पेयर 13 MH का, ये 1.5 टन का, 1 टन का ये ट्रांसफार्मर, छोटा सा ट्रांसफार्मर है ये लगा होता है। कभी कभार ये शॉर्ट होता है तो हमें पता नहीं होता ये इसमें क्या ये फॉल्ट हो गया, हमें गाइडनेस नहीं होती, कोई बताता नहीं है ये फॉल्ट कैसे हो जाता है। ये हाई वोल्टेज के कारण हो जाता है, कई कभार पीछे से हाई वोल्टेज आती है जो कंप्रेशर को हमारे वोल्टेज पर एकदम फ्रिक्वेंसी ठीक देता है। ये ट्रांसफार्मर एकदम एक बेटर क्वालिटी की वोल्टेज बना के हमारे आउटडोर को देता है। ये ट्रांसफार्मर इसलिए हर इन्वर्टर इसमें लगा होता है। तो ये कभी कभार ये शॉर्ट हो जाता है तो हमें पता नहीं होता ये कैसे इसको पता करें, कभी उसको एम्पेयर मीटर से कॉन्टिन्यूटी से चेक करते हैं, मगर ये कॉन्टिन्यूटी से चेक नहीं हो पाता। तो मैं आपको एक डायरेक्ट एक छोटी सी वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये भी आपने बस लिख लेना है, मार्किंग कर लेना है, अपने दोस्त को बता देना है या फ्रेंड्स को, अगर किसी दोस्त किसी को नहीं पता जो इन्वर्टर एसी में फंस जाते हैं, ये छोटे छोटे जो वीडियोस होती हैं यही आपको काफ़ी आगे तक इंजीनियर बनाने में, अच्छा इंजीनियर बनाने में कामयाबी देगी, क्योंकि यही छोटे छोटे जो डायग्नोसिस होते हैं जो किसी कंपनी का आदमी आपको बताता नहीं है। ये वीडियो में बस ये है कि मैं थोड़ी सी इस चीज़ की नॉलेज लेके, जो मेरे जो 7 महीने 8 महीने से मैं वीडियो नहीं डाल रहा, इसी चीज़ में छोटी छोटी सी वीडियो में हर चीज़ की मैं देख रहा था, हर चीज़ की वॉट्स कितने लेते हैं, कितने एम्पीयर पे चलती है, ये कंप्रेसर कैसे काम करता है, ये पीसीबी कैसे काम करती है, हमारे सेंसर क्या काम करते हैं, इंडोर के अलग होते हैं, आउटडोर के अलग कैसे काम करते हैं, हमारे नॉर्मल एसी में क्या होता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है। तो ये कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे से फंक्शंस हैं जो बस आपको बस ये है कि थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी, तो आप भी एक सिंपल एसी या नॉन एसी जैसे इन्वर्टर एसी को भी आप आराम से हैंड फ्री करके काम कर सकते हैं एकदम बिना हिचकते हुए, बिना डर से। ये हम मैं ट्रांसफार्मर बता रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर हर कंप्रेशर में लगा होता है, हमारे आउटडोर में देखा होगा साइड में लगा होता है। इसमें आपने बस ये करना है, इसको जब भी आपने चेक करना है, ये देखो इसकी पॉइंट होता है, कनेक्टर होता है, कनेक्टर निकला होगा जो हमारी एक जो पीसीपी से हमारी डीसी जो डीसी आउटडोर की पीसीपी होती है वहाँ से एक वायर आएगी हमारी पीसीपी से जो इसके अंदर अटैच हो जाएगी, और उसे अटैच होकर हमारे जो आउटडोर की जो सर्किट को पावर चाहिए इसी ट्रांसफार्मर की तरफ बनती है, जो कोई ब्रेकडाउन होती है यही इसको पूरा करता है, जो तो कम ज़्यादा होती है यही इसलिए ये ट्रांसफार्मर हमारा बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो हमारी एसी की कंप्रेसर नहीं चल पाता, हमारी पीसीबी नहीं चल पाती, तो कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हमें ये नहीं पता होता क्या फॉल्ट हो गया पीसीबी में, फॉल्ट है इसमें। इसमें बहुत आसानी से आपको उसको पता करना है, इसमें आपने ओम्स का, आप हर एक अच्छा अगर आपके पास क्लैंप मीटर है, अच्छा क्लैंप मीटर है, तो उससे आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। 20K में रख के इसको ना ओम्स में, अगर आप इसको दोनों पॉइंट्स में आप रखेंगे वायर को, अगर आपका 1 रीडिंग दे बता रहा ओम्स में, तो आपका ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अदरवाइज अगर इसके फ्रीक्वेंसी अगर आपका ख़राब है, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जब आप चेक कर रहे हैं ओम्स में, अगर इसकी अगर कोई ऑम्बिनेशन में नहीं बता रहा, शो कर रहा, अगर वही कोई पल्स इसमें ज़्यादा सी रीडिंग बता रही है, तो आपका ये एंडोसिट वाइंडेड हीट है, ओवर हीट हो चुका है, जिससे आपके ओम्स काफ़ी बढ़ा के बता रहा है। ये बस इतनी छोटी छोटी वीडियो हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी हैं आने वाले टाइम में, जो इन्वर्टर एसी हर जगह में इन्वर्टर एसी हो जाएंगे, नॉन इन्वर्टर सारे उतर जाएंगे नॉर्मल एसी, क्योंकि इन्वर्टर एसी वो अभी सस्ते हो गए हैं, अब इन्वर्टर एसी आएंगे। तो ये वीडियोस में आपके पास छोटे छोटे फंक्शंस हैं, जो ये अभी 2 महीने के जो जा रहा है पीक सीजन है, पीक सीजन ऑफ सीजन चल रहा है, जिसमें आपको काफ़ी गाइडनेस करूँगा कि आप आराम से जाकर कोई सा भी एसी हो आराम से हैंड कर सकते हैं। मेरे दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अपने दोस्तों को इतना ऐसा परफेक्ट इंजीनियर बना दूंगा कि हर एसी या कोई सी भी टेक्निकल टेक्निकल चीज़ होगी
वो उसको ना नहीं बोलेंगे, वो सीधा बोलेंगे हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इतना पक्का आपको सॉलिड इंसान बना दूंगा मैं। दोस्तों मैं अभी सिंह, मेरे दोस्त जो देख रहे हैं मुझे, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, बस यही चाहता हूँ। भगवान से दुआ करता हूँ आप एकदम सेफ रहें, परिवार आपका खुश रहे, यही मैं आपकी दुआ मांगता हूँ। अगर नील आएगा तो तभी ये खराब है, इसका ध्यान देना भैया। देखो जब भी आउटडोर चेक करने जाना है, कोई पीसीपी डिक्लेयर करनी है, तो डिक्लेयर करने से पहले इसको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये भी कई बार खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, कोई भी काम करना एकदम कहते हैं आराम से करना, झिझकबाजी मत करना, जबरदस्ती मत करना, बस अपना ख्याल रखना, कोई भी काम करे अपना ख्याल रख के काम करना। मैं ही आपसे कह रहा हूँ, आप ठीक रहेंगे, परिवार ठीक रहेगा। ओके, अदर वीडियो में आपके जो जल्दी ही मिलूंगा, अपना ख्याल रखना।